जनपद इटावा में लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है और काफी लोग पार्टी भी बदल कर दूसरी पार्टी का दामन थामने में लगे हुए हैं। ऐसे ही इटावा के एक सांसद हैं जो 5 साल बाद दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेते वही दूसरी पार्टी से भी चुनाव लड़ते हैं। हम बात कर रहे हैं इटावा से भाजपा के सांसद अशोक दोहरे की। अशोक दोहरे ने 2014 में भाजपा से लोकसभा का चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। वहीं भाजपा में शामिल होने से अशोक दोहरे ने भाजपा से चुनाव लड़ा और हार गए और अब की बार भाजपा से लोकसभा का टिकट ना मिलने से नाराज अशोक दोहरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और कांग्रेस ने अशोक दोहरे को इटावा से लोकसभा का प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। वहीं आज अशोक दोहरे ने इटावा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जहाँ उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अशोक दोहरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मोदी सरकार पर हमला करते हुए बोला कि इस सरकार में किसान रात को लाठी लेकर घूमता है। भाजपा से मुझे इसलिए निकाला गया कि मैं अनुसूचित जातियों के लोगों की मदद करता हूं। अब की बार भाजपा किसी भी हाल में नहीं बनेगी क्योंकि इस सरकार में हर वर्ग के लोग परेशान हैं और अब की बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आपके बीच में एक्सप्लेन किया मैं 29 मार्च को भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़कर मैं कांग्रेस पार्टी का एक प्राथमिक सदस्य हो गया हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पूर्व में अभी इस मीटिंग के दौरान आपको सारा बता दिया था, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, आपने कहा कैसे चुनाव जीतेंगे, किसान रात में लाठी लेके घूमता है। कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है?
देखिए, मैं तो यही कहूँगा, इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और श्री राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। संजय जी, आखिरी सवाल, आप बसपा में भी हैं। काफ़ी लोग, बीजेपी के लोग इस बात से नाराज हो गए थे कि आपने अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की आवाज़ नहीं उठाई। मैं जनप्रतिनिधि हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति नहीं, सर्व समाज के किसी भी कोई भी लोग हों, अगर उनके साथ अन्याय अत्याचार की जाति होगी, इटावा ही नहीं पूरे देश में होगी, तो भी अशोक दोहरे उनकी आवाज़ बनेगा। सीधा सवाल सर, सीधा सवाल, क्या बीजेपी में दलितों के खिलाफ गौरी मानसिकता अपनाई जाती है? देखिए, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर खुफिया तांडव हुआ तो कहीं ना कहीं ये ढिलाई थी। पिछले चुनाव में मोदी जी का बड़ा क्रेज था, मोदी लहर थी, इस चुनाव में क्या है, मोदी जी का क्या असर है? देखिए, असर ये है, अगर इस सूबे की बात करें तो इस सूबे का किसान रात में लाठी लेके घूमता है। कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहा है इस बार, देश किसको चुनना है? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, इस देश में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और श्री राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए शिवानी गौतम की रिपोर्ट, इटावा।